हे गाइस हेलो गाइस कैसे हो तुम लोग हम बीमार हो गए हैं बट फिर भी कोई बात नहीं जिंदगी में बीमारी चलती रहती है बच्चों लॉट्स ऑफ लव हम आ गए हैं चैनल पे आज हम पढ़ाएंगे एनिमल टिश्यूज ठीक है और आज एनिमल टिश्यूज में हम करने वाले हैं मस्कल टिश्यू कौन सा टिश्यू मस्कल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों आपको जिंदगी में खबर पता चली कि टर्म वन और टर्म टू का सिलेबस कम हो गया है जिंदगी में खबर पता चल गया कि नहीं पता चली है जिंदगी में आपको पता चल गया है ना कि <laughs> नया रिवाइज सिलेबस आ चुका है सीबीएसई का क्लास नाइन्थ का रिवाइज सिलेबस आ चुका है है ना और उसमें बहुत ज्यादा पोर्शन खत्म हो गया है मतलब पता है ना खबर पता है कि नहीं पता जिंदगी में लोगों को हे hey, भगवान यू गाइस डोंट नो

जस्ट लाइक द क्लास ट्वेल्थ क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चा पीपल ठीक है तो बेटा तुम्हारी जिंदगी में बस दो चैप्टर आ रहे हैं बायोलॉजी से ठीक है तनिषा द्विवेदी कह रहे हैं सर पढ़ाई में मन कैसे लगाए बेटा पढ़ाई में मन वीडियो देख के लगाओ वेदांतू नाइन्थ टेंथ में सब्सक्राइब कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मन ऑटोमेटिकली लग जाएगा इतने बढ़िया बढ़िया टीचर हैं मैंने सुना है बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं मतलब ये आदमी है मैंने सुना बहुत अच्छा पढ़ाता है है ना और एक और आदमी है है ना <laughs> जो वेदांतों में फिजिक्स पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिर एक और आदमी है मैथ्स पढ़ाते हैं वो भी बहुत अमेजिंग है फिर हमारे केमिस्ट्री वाली मैडम है है ना फिर हमारी एस वाली मैडम है फिर हमारे इंग्लिश वाले सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सारे ठीक है तो जिनका जिंदगी में पढ़ाई में मन नहीं लगता ये हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो ठीक है ऑटोमेटिकली मन लगेगा दौड़ेगा सब करेगा मन ठीक है हाँ जी हाँ हाँ बेटा मैं आज बीमार हो गया मुझे मुझे तुम सब आके प्यार करो तुम बोलो सर कोई बात नहीं आप बीमार हो तो तुम सबको आके मुझे कहना चाहिए सर कोई बात नहीं आप सही हो जाओगे ऐसे बोलो सब बोलो अमृतसर कोई बात नहीं बोलते ना कि जब तुम बीमार हो तो मैं प्यार की आवश्यकता होती है तो हमें बहुत ज्यादा प्यार की आवश्यकता है ठीक है <laughs> चलो ये जरा तो लाइफ में लाइक कर दो वीडियो को देखो मेरी मैं बीमार हूं ठीक है मैं मैं बार बार लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा ठीक है तो तुम्हें खुद से लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना है ठीक है तो बेटा हम यहाँ पे बायोलॉजी नहीं हम बायोलॉजी करते हैं ये है हमारा फ्रेंड तो हम करते हैं बायोलॉजी बायोलॉजी करते हैं तो यस तो एवरीवन दिस इज माय इंस्टाग्राम गाइस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अमृत अंडरस्कोर आरजे ठीक है देख लो बहुत अच्छा आदमी है ठीक है देन भैया एन टी एस सी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में हम लोगों ने हंड्रेड प्लस सेलेक्शन मतलब देख रहे हो मतलब हंड्रेड प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एन टी एस सी में वेदांत में पढ़ के तो जो बच्चे सोचते हैं ऑनलाइन पढ़ के आ, पढ़ाई नहीं हो सकती बेटा वेदांतु में ऑनलाइन पढ़ के पढ़ाई तो होती ही होती है और रैंक भी आती है बहुत अच्छी अच्छी रैंक ठीक है थीके? तो बेटा आ जाते हैं हम टिश्यूज पढ़ने कितने बच्चों को वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के बारे में पता है हाउ मेनी ऑफ यू you नो know अबाउट वी आई पी वी आई पी इज बेटा वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस हम वेदांतु में कहते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब आपका क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट नहीं हुआ सिलेक्शन नहीं इंप्रूवमेंट इफ देर इज नो इंप्रूवमेंट इन योर कोर्स इन योर स्टडीज वी विल रिटर्न द फीस बैक इतना कॉन्फिडेंस है हम लोगों को अपने टीचर्स पे अपने टीचिंग मेथडोलॉजी पे और हमारे कंटेंट पे ठीक <laughs> है तो बेटा कितने बच्चों को कंफ्यूजन फील हो रही है कितने बच्चों ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा है मैंने बताया फर्स्ट टर्म में सेल चैप्टर आएगा और टिश्यू चैप्टर आएगा हाउ मेनी ऑफ यू जल्दी बताओ कोई है ऐसा बच्चा जिसने स्टार्ट करना तैयारी नहीं करा या जिसको डर लग रहा है कि सर हमको लगता है हमसे ना हो पाएगा ऐसा कोई है चलो थोड़े से बच्चे हैं <laughs> बेटा जितने बच्चे हो ना ऐसे जिनको डर लग रहा है जिनको लग रहा है मुश्किल हो रही है है ना बेटा वी प्रो यू कैन यू कैन आउट वी प्रो ठीक है

एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हो और आप कोड यूज कर सकते हो ए आर प्रो ए आर एज एन अमृतराज प्रो आई नो अमृत कोड यूटेट ऑफ ठीक है <laughs> तो देर इज अ लिंक एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पे जाके यूज कर सकते हो ठीक है बच्चे जिनको भी डर लग रहा है जिनको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत है तो आप यहां पे जो ज्वाइन कर सकते हो आपको अगर YouTube पे समझ आता है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई प्रो वंस एक महीने का ट्राई कर लेना आगे चलो यह है हमारे बच्चे विनीता चौहान यह है प्रियल श्रीवास्तव तो हमने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था तो इन बच्चों ने आंसर करा है तो मैंने पूछा था एपिथिलियल टिश्यू और उनका लोकेशन बताओ ठीक है बेटा तो लास्ट क्लास में हमने एपिथिलियल टिश्यूज करे थे स्कॉमस एपिथिलियम आर फाउंड ऑन द स्किन स्ट्रेटिफाइड

तालिया बजाए जाए ये सब हमारे टॉपर बच्चे हैं ठीक है तालिया बजाए जाए इन सब बच्चों ने आंसर करा था बेटा टर्म वाइज एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में प्रगति बेटा टर्म वाइज दिसंबर नवंबर दिसंबर तालिया बजाए जाए बच्चों के लिए और लाइक करा जाए वीडियो को यार कैन जूस बच्चों यो गाइज आर कैन जूस Why are you guys such a यस बेटा हैरी ओपी लाइक द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल हे भगवान सच कंजूस पीपल बेटा आज हम मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे लास्ट हमने देखा था एनिमल में फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आते हैं कौन है फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज बताओ यस व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज गाइस बताना मुझे एनिमल टिश्यूज में नंबर वन वाज एपिथेलियल नंबर टू इज मसल नंबर थ्री कौन है बताओ थ्री कौन है एनिमल टिश्यू बता बेटा एनिमल टिश्यू कनेक्टिव वेरी गुड बेटा कनेक्टिव टिश्यू और लास्ट क्या है फोर्थ क्या है नर्वस वेरी गुड बेटा अक्षत लास्ट है नर्वस ठीक है हम जिंदगी में एपिथेलियल टिश्यूज कर चुके हैं जिन्होंने नहीं करा जाके देख लेना एनिमल टिश्यूज पार्ट वन आज हम मस्कल टिश्यू करेंगे मस्कल muscle मतलब मसल्स है ना ये मसल्स ये करेंगे इसके बारे में ठीक है फिर उसकी अगली क्लास में हम कनेक्टिव और नर्वस करेंगे ठीक है चलो आगे चलते हैं <coughs> तो बेटा मंडे का दिन है अमृत दिवस हमने घोषित कर दिया है अमृत दिवस है तो मंडे को एक आदमी आता है ऐसा सा और वो बायो पढ़ाता है ठीक है यस तो बेटा हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है ईगल आई किस-किस को ईगल आई पसंद है यस गाइस हाउ मेनी ऑफ यू लाइक ईगल आई हाउ मेनी ऑफ यू लाइक ईगल आई <laughs> वेरी गुड तो बेटा नक्षत्र ग्रोवर देवरिता घोष रमेश एंड संजीव महेश्वरी दीज रेडी फॉर द ईगल गेम इट्स अ वर्ड सर्च गेम यहाँ पे एक हिंट आएगा और आपको वर्ड को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा ठीक है रेडी तो बेटा वी विल स्टार्ट द गेम ओनली वेन फोर हंड्रेड लाइक्स आर देर हा हा <coughs> बेटा गेम तभी स्टार्ट करेंगे जब 400 लाइक्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति खास खास के पढ़ा रहा है है एक बूढ़ा व्यक्ति आया हुआ खास रहा ठीक है <laughs> <ठीके>? <laughs> तो यस बेटा कनिष्क का ग्रेट जॉब हाँ हाँ चलो हमारा ब्लैकमेल काम कर गया बच्चों और हमारे 400 लाइक्स हो गए हैं तो इसी बात पे लाइफ में आगे बढ़ते हुए हाँ हाँ इमोशनल ब्लैकमेल करा गया है अमृतसर द्वारा पहला सवाल बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डास्ट टिश्यू बोन किस टिश्यू का एग्जाम्पल है बताओ ढूंढो बेटा आंसर क्या होगा इसका ये मैंने कराया नहीं है बट एग्जैक्टली exactly श्वेता कनेक्टिव टिश्यू है बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू कहां है नक्षत्र भाई नक्षत्र तुम तो गलत ही हो सिक्स अच्छा, रोह फिफ्टीन कॉलम बेटा सिक्स रो थोड़ी ना फिफ्टीन कॉलम तो ठीक है अच्छा ओके वेरी गुड आर्गा कश्यप यस ग्रेट जॉब बेटा ग्रेट जॉब आर्गा के लिए ताल नहीं हो जाए ग्रेट जॉब बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट वन क्या तुम तैयार हो बेटा देर विल भी अंट कमिंग है यहां पर हिंट आएगा आपको वर्ड फाइंड करना यहाँ पे ठीक है ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिस कनेक्टिव टिश्यू ट्रेवल्स इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करता है बताओ कम ऑन ब्लड वेरी गुड बेटा आंसर इज ब्लड कहां है ब्लड ढूंढो इसमें ब्लड को ढूंढा जाए निहारा कह रही है फिफ्थ रो इलेवेंथ कॉलम फिफ्थ रो लेवेंथ कॉलम है फिफ्थ रो फिफ्थ रो सेवेंथ कॉलम नव्या से फिफ्थ रो सेवंथ कॉलम ओ वेरी गुड बेटा नव वेरी गुड बेटा नव्या परफेक्ट नव्या भोसले जी वेरी गुड नेक्स्ट वन नेक्स्ट करें हियर इज वन मोर दिस पुशेज एयर इन एयर एंड म्यूकस फॉरवर्ड टू कीप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन ये एयर और म्यूकस को आगे मूव करता है टू कीप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन ये क्या है बताओ एक्टली आयुषी इट इज सीलिया सीलिया कहां पे है बताओ सीलिया दिख रहा है आपको इलान मस्त कह रहे हैं फिफ्थ रो नहीं है बेटा यहाँ तो आदित्य मौर्य सेवेंथ एंड लेवेंथ नॉट नॉट देर बेटा सेवेंथ लेव रो सेवेंथ कॉलम स्पेड से एग्जैक्टली बेटा स्पेड सेवन रो एट्थ कॉलम है बट आई वुड गिव इट टू गि वेरी गुड बेटा स्पेड रो एट्थ कॉलम था ओ नो सेवन और सेवन ही था वेरी गुड बेटा स्पेड सही है तुम सही थे वेरी गुड गाइस क्या तुम तैयार हो आखिरी हिंट के लिए एवरी लिखो तैयार हैं सर लिख दो तैयार हैं तैयार है कमन गाइज आई वॉन्ट टू सी तैयार है तैयार <laughs> हो सारे जी जल्दी बताओ हमारी अमृत आर्मी तैयार है अमृतसर की आर्मी तैयार है चलो ये रहा आखिरी सवाल टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट हेल्प्स इन सेक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड ऑयल दिस टाइप ऑफ एपिथिलियम हेल्प इन सेक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड ऑयल बताओ एक्सैक्टली ग्लैंडुलर एपिथिलियम हेडाथिया एट रो नाइन्थ कॉलम एट रो नाइन्थ कॉलम कुछ नहीं है बेटा नो कोमल गोयल से ट्वेल्थ फोर ट्वेल्थ फोर नहीं है ना बच्चे नाइन्थ रो एंड ट्वेल्थ कॉलम नव्या से नाइन्थ रो सॉरी नाइन्थ रो ट्वेल्थ कॉलम ओ वेरी गुड ये रहा ग्लैंडुलर वेरी गुड बड़ा नव्या क्लैप्स गाइस क्लैप्स कर दो वाओ wow. यार तुम लोग सही में ईगल आई हो यू गाइज हैव सच अ पावरफुल आइज मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड मतलब ट्रस्ट मी ये बनाते हम लोग हैं बट हमें नहीं दिखता कई बार तो ग्रेट जॉब तो गाइज देर इज वन मोर देर इज अ सीक्रेट मैसेज ओवर हियर इसमें एक टॉप सीक्रेट मैसेज है आर यू गैज रेडी टू फाइंड आउट टॉप सीक्रेट मैसेज यस आर यू गैस रेडी टू फाइंड आउट द टॉप सीक्रेट मैसेज चलो <laughs> अरे अच्छा इट्स अ फोर लेटर वर्ड गाइस इट्स अ फोर लेटर वर्ड नलिन बंसर क्या ए आर ओपी एग्जैक्टली गाईस कहा भाई ए आर ओपी वर्ड इज ए आर पी तो यूज कर चुके है ना

और उनके अंदर स्पेशल प्रोटीन होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ध्यान से सुनो मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है बेटा पहली चीज वो इलांगेटेड होते हैं कैसे होते हैं इलोंगेटेड लंबे लंबे से होते हैं ठीक है दे आर इलोंगेटेड नंबर टू वॉट इज मसल टिश्यू हेल्प इन इट हेल्प इन मूवमेंट एंड लोको मोशन ठीक है बेटा अब बच्चे पूछे डिफरेंस क्या है मूवमेंट और लोको मोशन बेटा दिस इज मूवमेंट ये मूवमेंट हो गया ठीक है लोकोमोशन मतलब मैं मूव कर रहा हूं मेरी पूरी बॉडी मूव कर रही है ये लोकोमोशन होता है मेरा बस सर हिलना ये मूवमेंट होता है ठीक है <laughs> तो मेरा मसल हेल्प करता है देन जो भी मसल्स होते हैं उनमें बेटा एक प्रोटीन होता है का होता है उनमें प्लोटीन अब ये प्लोटीन व्हाट डज इट डू दिस प्रोटीन हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वी से इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब इट हेल्प्स इन कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ठीक है वेरी गुड आगे चलते हैं है ना बेटा नाउ व्हेन वी सी मसल टिश्यू इट इज ऑफ थ्री टाइप्स एनी वन नोज अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ मस्कल यस बेटा लोकोमोशन मतलब बेटा मूवमेंट सी आई एम मूविंग दिस इज लोकोमोशन म मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर दैट इज लोको मोशन स्केलेटन मसल एग्जैक्टली नंबर टू समन इज से इनवॉलेंटरी मसल्स एग्जैक्टली और आई विल से स्मूद मसल स्मूथ मसल एंड किसी ने मुझे बोला कार्डिया हमारा फेवरेट हार्ट का मसल ठीक है हमारा फेवरेट एक हार्ट में ही मसल होता है ठीक है स्पेशल मसल टिश्यू तो कितने तरह के मसल हो गए तीन तरह के वन स्केलेटल द नेम सजेस्ट वॉट विल द स्केलेटल बेटा क्लोज टू बोन्स ये बोन्स के पास है दीज आर फाउंड क्लोज टू बोन्स है ना बेटा ये बोन्स के पास में होते हैं। ठीक है स्मूथ मसल और हमारा हार्ट ठीक है बेटा ये दोनों क्या है जैसे <laughs> कुछ बच्चे नहीं होते जो किसी के कंट्रोल में नहीं आते है बेटा ऐसा कोई बच्चा है जो अपने मम्मी पापा की बातें नहीं सुनते ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं आते अपने मम्मी पापा के कंट्रोल में नहीं आते तो ये वो वाले बच्चे हैं मसल स्मूथ मसल और कार्डियक मसल हमारे कंट्रोल में नहीं आते दीज आर इनवॉलेंटरी नॉट कंट्रोलेबल ये स्केलेटल ये वॉलंटरी अच्छा बच्चा है ये ओबीडियंट है दिस इज ओबीडियंट बच्चा दिस इज नॉट ओबीडियंट ठीक है दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा है ना बेटा दिल पे मेरे काबू नहीं है, है ना बचपन का प्यार ठीक है तो <laughs> क्या गाना था वो बचपन का प्यार <laughs> जाने मेरी जाने मन भूल नहीं जाना रहे तो वही तो ये है ठीक है तो हार्ट कंट्रोल में नहीं है ठीक है तो so आ समझ गया बेटा मसल अब बच्चों को समझ तो आ गया सर कार्डियक मसल तो हार्ट में होता है हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग सर ये स्मूथ मसल कहां पे होता है ये स्मूथ मसल कहां पे होता है हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग स्मूथ मसल वेर इज द स्मूथ मसल फाउंड बेटा स्मूथ मसल इज फाउंड इन योर एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी फूड पाइप होती है है ना बेटा जो आपकी फूड पाइप स्टमक इंटेस्टाइन है ना एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथ मसल होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्मूथ मसल होता है है ना बच्चे? आपके में, आपको याद है आपका प्यूपिल का साइज नो कैन यू कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिस्टम नो कैन यू कंट्रोल योर डाइजेस्टिव सिस्टम नो ठीक है इट इज फाउंड देयर समझ आ गया इन सारे बच्चों को समझ आ गया इन सारे बच्चों को समझ आ गया यस yes. माई गॉड क्लैप्स गाइस ओ माई गॉड वी गॉट फाइव हंड्रेड लाइक्स परफेक्ट है ना ग्रेट आगे चलते हैं। लाइफ में आगे चले बच्चों लाइफ में आगे बढ़े क्या कहते हो लाइफ में आगे बढ़ा जाए चलो लाइफ में आगे बढ़ा जाए या अब हम ना एक एक के बारे में विल स्टडी स्टडी अबाउट दिस विल स्टडी अबाउट दिस वी विल स्टडी अबाउट दिस है ना बेटा विल टॉक अबाउट कि वो कैसा दिखता है तो देखो स्केलेटल मसल कैसा दिखता है बेटा वो सिलिंड्रिकल होता है ऐसा सिलेंडर की तरह होता है बेटा स्केलेटल सिलेंडर इट हैज हैजटरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ठीक है बेटा ये डार्क बैंड हो गया ये लाइट बैंड ये डार्क बैंड ये लाइट बैंड ये डार्क बैंड ये लाइट लाइट बैंड ये डार्क बैंड ये लाइट बैंड हाउ स्केलेटल मसल लुक इट हैज डार्क एंड लाइट बैंड जेब्रा क्रॉसिंग की तरह है ना बेटा ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ठीक है दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड दिस टाइप ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट लाइनिंग इज कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड मसल बेटा समझ आया स्ट्रिएटेड मतलब ऑल्टरनेटिव ब्लैक एंड लाइन ठीक है तो जैसे कि आपका नाम है सोनू मोनू है ना जैसे कि है ना मेरे घर के सामने एक लड़का रहता उसका नाम था उसका बट हम उसको टिंकू टिंकू बोलते थे ठीक है हमें पता ही नहीं था उसका नाम टिंकू का नाम ललित है ठीक है तो उसी तरह मसल इसका स्कूल वाला नाम है और घर का नाम है इसका, समझ रहे हो तो वैसा इसको कुछ भी कह सकते हो आपके मन के हिसाब से यू कैन कॉल दिटेड मसल और यू कैन कॉल जस्ट क्रिएटेड ठीक है देन इसकी डिटेल बेटा मल्टी इट इज व्हाट मल्टी मतलब इट कैन हैव मेनी न्यूक्लियस ठीक है बेटा द स्केलेटल मसल कैन हैव मेनी न्यूक्लियस ओके देन बस यही है जिंदगी में इसके कुछ नहीं है है ना बेटा और इसका और क्या स्पेशलिटी है इट इज वॉलंटरी

लाइफ में किसी को कोई कंफ्यूजन है एनी कंफ्यूजन इन योर लाइफ बट दे आर वेरी क्लोजली पैक्ट एनी एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर तो स्टूडेंट कीप आस्किंग मी सर दिस इज सो डेंजरस आई से वेरी इजी चैप्टर Now. Next, what is the function? It helps in voluntary movement. What are voluntary movement? For example, I am moving my hand. What am I using? I'm using skeletal muscle. And I am using my <laughs> neck. What am I using? I'm I am, I'm am using skeletal muscle. It helps me movement. Now, number two is smooth muscle. Smooth muscle, beta. How does it look? Let me draw it for you. Let me draw it for you. ुक्स समथिंग लाइक दिस इट लुक्स समथिंग लाइक दिस ठीक है बेटा दिस न्यूक्लियस इट लुक्स लाइक दिस ओके बेटा नाउ वेर इज इट फाउंड इट इज फाउंड इन द आईज आईरिस ऑफ द आईज क्यूपिट लाइड इट इज फाउंड इन दूराइट यूरेटर मतलब बेटा जो यूरिनरी यूरिनरी सिस्टम में होता है देखो ये आपकी किडनी है है ना ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है है ना बेटा तो इसको कहते हैं यूरेटर यहां पे यूरेटर में होता है इट इज फाउंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स मतलब लंग्स हैं ये आपके ठीक है लंग्स है ना लंग्स हैं तो ये आपके ब्रोंकाई में भी स्मूथ मसल्स होता है समझ रहे बच्चे यस yes. समझ आया स्मूथ मसल यहां पे ब्रोंकाई में स्मूथ मसल्स यूरेटर में स्मूथ मसल ठीक है ना दे हैव पॉइंटेड एंड्स द सेल्स हैव पॉइंटेड एंड एंड दे आर यूनी न्यूक्लियेट दे हैव वन न्यूक्लियस ठीक है बेटा प्लीज अंडरस्टैंड गाइज प्लीज अंडरस्टैंड देखो जो भी मसल्स हैं स्ट्रीटेड हो गया स्मूथ मसल हो गया कार्डियक उनके अंदर द प्रोटीन आर प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन फाइबर्स है इसमें देखो यहां पे भी प्रोटीन फाइबर्स हैं वॉट इज दिस दिस इज प्रोटीन फाइबर ऑनली बट इधर ओबीडियंट प्रोटीन फाइबर्स हैं मतलब सब लाइन में खड़े हुए हैं ये यह है शतान बच्चे यहां पे ये शतान बच्चे दे आर नॉट इन लाइन दे आर जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग है ना बच्चे Here the fibers are randomly arranged. They are they are properly arranged. Okay. That is why we see alternate dark and light bands there. <coughs> and we don't see any dark and light band here. Okay. Perfect. Great. And they are uninucleate. Single nucleus. And our skeletal muscle has multiple nucleus. बेटा परफेक्ट आगे चलें व्हाट इज द फंक्शन मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इट इन मूवमेंट ऑफ द फूड इन एलिमेंट्री कैनाल इट इन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स है ना इट हेल्प्स इन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द आइरिस ऑफ द आई आइरिस ऑफ द आई है ना बेटा प्यूपिल प्यूपिल का डाया डिसाइड करता है इट डिटरमाइंस द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल एंड ऑल दिस थिंग्स यस परफेक्ट गाइस ग्रेट अमेजिंग चलो आगे बढ़ते हैं फाइनल हमारा फेवरेट आ गया हार्ट अब हार्ट को ड्रॉ करेंगे बच्चों आपका क्या विचार है हमारी आर्टिस्टिक स्किल्स के बारे में आपको लगता है मैं नेक्स्ट एम एफ सैन ऑफ इंडिया बन सकता हूं या फिर लियोनार्डो डाविंची बन सकता हूं आपको ऐसा लगता है ये बेटा ये है हमारे हार्ट के मसल देखो आपको ब्रांचिंग दिख रही है ये है ब्रांच ये है ब्रांचिंग क्या स्केलेटल मसल ब्रांच था नहीं क्या स्मूथ मसल ब्रांच था नहीं क्या कार्डियक मसल ब्रांच है हां भाई हां ठीक है तो हार्ट मसल इज ब्रांच बेटा ठीक है इट इज ब्रांच एंड यस इट इज यूनी न्यूक्लिएटेड सिलिंड्रिकल है और ये यूनि न्यूक्लिएटेड भी है

मतलब अपने आप ही बेटा आपका हार्ट है ना बहुत ही अमेजिंग है बहुत प्यारी चीज है क्या करता है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करता रहता है जब मम्मी चप्पल लेके आती है आपके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करता है है ना तो इट्स अ वेरी अमेजिंग ऑर्गन यस <laughs> yes? तो वी शुड अप्रिशिएट किसको लगता है कि हार्ट बहुत अमेजिंग है मुझे तो बहुत अमेजिंग है समझ आ गया बेटा इट हेल्प्स इन रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट थ्रू आउट द लाइफ ट हेल्प इन कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मतलब मेरा तो फेवरेट है भैया हार्ट मतलब पूरी बॉडी में ऑर्गन को आई वुड से हार्ट एंड स्टमक परफेक्ट ठीक है बेटा <laughs> समझ आ गया समाइज कर ले एक बार समरी बता दू देखो हमने देखा स्केलेटल मसल ठीक है स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक ठीक है बेटा स्केलेटल वॉलेंटरी और ये दोनों इनवॉलेंटरी है ना बेटा ये वॉलेंटरी ये दोनों इनवॉलेंटरी ये सिलिंड्रिकल ये स्पिंडल शेप स्पिंडल मतलब ऐसा ये स्पिंडल शेप होता है ठीक है ये भी सिलिंड्रिकल है ना बेटा ये स्ट्रिएटेड ये भी स्ट्रिएटेड ये एंड नहीं पे स्मूथ है ठीक है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड दोनों यूनि न्यूक्लिएटेड बस ये ब्रांच है इन दोनों में से कोई ब्रांच नहीं है जिंदगी में किसी को कोई डाउट है यस yes, किसी को जिंदगी में कोई डाउट है नहीं है वेरी गुड बेटा जल्दी से अभी अब मेंटी करेंगे उससे पहले आई विल एक्सप्लेन अबाउट वेदांतु प्रो उसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं मैं क्विकली बता देता हूं आप लोगों को

To Pro now. इस क्लिक करोगे आप यहाँ पे पहुंच जाओगे यू कैन गो फॉर क्लास नाइन सीबीएसई ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसमें आ जाओगे इसमें क्या क्या होता है इट इज जस्ट लाइक एन ऑनलाइन कोचिंग ऑनलाइन ट्यूशन बट इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मैट इसमें क्या होता है आपको लाइव इंटरक्टिव ऑनलाइन क्लासेस मिलती है टीचर्स के साथ आपको क्या होता यूट्यूब पे भी तो सेम ही चल रहा है बेटा यूट्यूब पे क्या होता है बहुत डिस्ट्रक्शन होती है ठीक है वेदांतों पे क्या होता है आपका एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है तो आपकी रोज शाम को क्लास होगी तो आप अटेंड करोगे क्लासेस को ठीक है तो वो होता है फिर आपको टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस होती है हर वन मंथ हर चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट होता है ठीक है उसमें आपको पता चलता है कि आप सही पढ़ रहे हो चीजें सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो तो वो पता चलता है देन असाइनमेंट्स एंड नोट्स क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं है ना बच्चों को नोट्स कई बार लिख नहीं पाते तो क्लास के बाद आप जाओ उसको डाउनलोड कर लो क्लास में समझ नहीं आया वापस रिप्ले देखो रिप्ले में भी समझ नहीं आया क्या करो डाउट सॉल्विंग ऐप पे जाओ या फिर डाउट्स क्लास में पूछ लो ठीक है बेटा देन देर आर थ्री वर्जन एक होता है लाइट क्लासिक और प्लस है ना इनमें फर्क क्या है द डिफरेंस इन द डाउट सॉल्विंग क्लासिक में यू कैट यू कैन आस्ट डाउट आउटसाइड द क्लास ऑल्सो मतलब आपके स्कूल में कुछ पढ़ाया आपको समझ नहीं आया है ना आप क्या करोगे उसकी फोटो ली और ऐप पे डाल दो आपको डाउट पता चल तो जाएगा आपको हैंड रिटर्न सोल्यूशन मिल जाएगा इमीडिएटली ठीक है प्लस में क्या है एक स्टेप और ज्यादा आपको एक पर्सनल टीचर मिल जाता है मतलब डाउट सॉल्विंग भी मिलती है साथ में पर्सनल टीचर मतलब आपको कुछ समझ नहीं आया उनको फोन करो मैडो मैम मेरे को समझ नहीं आया आप बताओ कैसे करना है ठीक है या फिर आपको पूरा चैप्टर नहीं समझ आया तो वन ऑन वन क्लासेस भी कर सकते हो आपको टाइम टेबल बनाना है वो भी बना सकते हो तो मतलब दैट लेवल इज मतलब पर्सनल गाइडेंस मतलब एकदम हैंड होल्डिंग लाइट में इन क्लास डाउट सॉल्विंग उट साइड ऑल्सो दे आर एवरीथिंग आउटसाइड साइड क्लास प्लस इन साइड क्लास प्लस टीचर ठीक है तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, है ना, आपको कितने डाउट्स आते हैं आप कितना अफोर्ड कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट यू कैन चूज इफ यू सी यू कैन ऑफ फॉर अ वन मंथ कोर्स अगर आपने ट्राई करना है कभी ट्राई नहीं कराए तो वन मंथ कोर्स और एल्स यू कैन बाई द कंप्लीट कोर्स जैसे मैंने बताया जब आप कंप्लीट कोर्स लेते हो एक साल का तो क्या होता है बेटा यू कैट विद जैसे कि यह है ना वेदांतों की बुक्स मिलती हैं ये सब बायो की है फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी सब बुक्स मिलती हैं आपको है ना और क्या मिलता है आपको वेदांतू इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मिलता है इंप्रूवमेंट प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ वी विल रिटर्न द फीस बैक समझ लो तो उस तरह से हियर वन मंथ में यू विल नॉट गेट बेनिफिट इसमें क्या होता है बस पर मंथ पी फीस पे करते जाते हो तो क्या बैच अलग होता है नहीं यू विल स्टडी इन द सेम बैच इट इज जस्ट आप मंथली फीस पे कर रहे हो ठीक है यू कैन स्टॉप इट वेन एवर यू वॉन्ट बट हियर वॉट यू कैन डू इज टेकअप अ कंप्लीट कोर्स और फिर ई एम आई ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको ये पूरा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन 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 एक साथ पे नहीं करना इंस्टेड आप एक ई एम आई ऑप्शन ऑप्ट कर लो है ना उससे क्या होगा सेम चीज रहेगी यू पे टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी पर मंथ समझ मतलब मंथली ही आप पे करोगे बट आपने एक साल का कोर्स लिया हुआ है तो वो भी ई एम आई का ऑप्शन भी अवेलेबल है यू कैन चूज एनी ऑफ दिस एंड इन ऑल ऑफ देम यू कैन यूज अ कोड ए आर प्रो टू गेट टेन परसेंट ऑफ एज ऑफ नाउ ठीक है ट्राई फॉर वन मंथ करते हैं नीचे आए कंटिन्यू विद गूगल अपना आई डी डाला यहां पे पहुंच गए ठीक है बेटा देखो ऑटोमेटिकली द कोड इज अपलाईर ए आर प्रो एंड यू विल गेट द फीस इज रेड्यूस बाई टेन परसेंट देन यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स टू पे इट ऑफ ठीक है तो यस गाइस नाउ जो भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है आई वुड हाईली रिकमेंड दिस एक बार ट्राई जरूर कर लेना क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज और वो भी एक ब्रांडेड नेम लाइक वेदांतु जहां पे आप मंथली पे करके पढ़ सकते हो दैट इज अमेजिंग एंड ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे साथ ऑलरेडी आप मिस आउट मत कर देना क्योंकि हो क्या रहे ना अभी कोविड के टाइम पे क्या हो रहा है बच्चों का पढ़ाई लिखाई से मन उठ गया ये हमने रियलाइज करा है कि बच्चों का मन उठ गया तो बेटा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड एक बार वी प्रो का यू you नो know, चेक जरूर करना ठीक है इट वुड हेल्प यू अ लॉट मूविंग फॉरवर्ड बचो जल्दी से मेन्टी डॉट कॉम पे आ जाओ यस yes.

मैं आपको बताता हूँ कैसे एनरोल करना है इधर आ जाओ बेटा <coughs> ये देखो ये वगैरह ना इसी लिंक पे ये वीडियो के नीचे जो लिंक है इस पे ही आ जाओ यू कैन क्लिक ऑन दिस यहाँ पे आओगे यहां पे देखोगे क्लास टेंथ में आता है इफ यू कैन सी अरे यार ग्रेड टेन एन कोर्स ठीक है यहां पे आप करोगे ग्रेड टेन एन क्रैश कोर्स तो आप इसमें भी एनरोल करते हिसे यू कैन यूज द कोड आई गेस हाँ यहाँ पे भी आप ए आर प्रो यूज करके आप, आपको डिस्काउंट मिल सकता है ठीक है जो भी बच्चे एन टी एस एक्सपीरियंट है देखें जल्दी से ज्वाइन कर लो एक बच्चा कह रहा है वेदांतु 20 मिनट पढ़ाता है और फिर प्रमोशन करता है बेटा 20 हम ऐसा पढ़ाते हैं ना <laughs> कि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाता है एंड आई अ गुड थिंग हम ये नहीं कह रहे कि आप आ जाओ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू डेफिनेटली कम एंड चेक आउट बी प्रो इट बेनिफिशियल फॉर यू ठीक है और अदरवाइज ऑल्सो वी आर टीचिंग ओवर हियर ऑन वेदांतुटूब पे हम पढ़ाते ही हैं एंड ट्रस्ट मी इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता जब हम वेदांत में पढ़ाते हैं ना यूट्यूब पे वी डोंट इवन गेट अ सिंगल पेनी मतलब लाइक इसमें ऑपरेशन कॉस्ट ही नहीं पूरी हो पाती है इतना ज्यादा हमारा इक्विपमेंट्स लगते हैं हमारी बैक एंड टीम लगती है वी डू दिस विद्योर पर्पज ऑफ गिविंग एजुकेशन टू द पीपल हु कैनॉट अफोर्ड इट ठीक है आप लोगों का क्या आप आते हो कुछ बोलते हो चले जाते हो ठीक है बट जो पढ़ने वाले बच्चे उनको अफेक्ट नहीं करना चाहिए ठीक है और जो अच्छा पढ़ सकते हैं उनको और ऊपर करने वाली बात होती है ठीक है दैट इज द ओनली पर्पस एक बहुत ही अच्छी चीज है वेदांतु प्रो एंड इट हैज बेनिफिटेड मेनी स्टूडेंट्स आप देखोगे ना वेदांतु प्रो में जितने भी बच्चे आए हैं दे हैव ऑल बेनिफिटेड एंड दे हैव डन रियली ग्रेट वी सेट द राइट बेस हम बेस बना देते हैं आई आई टी और जेई एग्जाम के लिए जो फ्यूचर में जाके आप आईआईटी एग्जाम दोगे या नीट के एग्जाम दोगे ठीक है तो वी सेट द बेस फॉर दैट है ना यूट्यूब पे वो बेस बनाना डिफिकल्ट हो जाता है इसमें डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा होते हैं है ना तो यार यस रेडी प्रांजली बेटा द टाइमिंग्स आर डिफरेंट यू कैन चूज योर ओन बैच आप चूज कर सकते हो कौन से टाइम का आपको बैच चाहिए ठीक है चलो आगे चलते हैं <laughs> वो तेरा फर्स्ट क्वेश्चन द एनिमल टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऐसा टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में होता है बताओ यस एपिथेलियल टिश्यू नर्वस टिश्यू मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू एनिमल टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एग्जैक्टली वाइट इज द आंसर इज मसल टिश्यू मसल टिश्यू में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं हाय बेटा प्राग्ञा जेड एस के करुणा करुणा आई आर फैन बेटा आई एम योर फैन बच्चे अनुष्का एम बेटा अनुष्का सन ऑफ माई मदर वेरी गुड बेटा नलिन बंसल सर्च ऑन यूट्यूब ओके जीवा आप क्या शिष्य और फैन बेटा आप हमारे हार्ट हो टेडी गुप्ता डेट बेलचून मतलब वॉटसन आयुषी मिश्रा नाइन सी रोल नंबर वन वेरी गुड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आयरस ऑफ द आई यूट्रस एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स प्रोसेस डैश मसल आयरिस ऑफ द आई यूट्रेस ब्रोंका में कौन सा मसल होता है कार्डियाक्स केलेटल स्मूथ बताओ बेटा ये yes, बेटा निवृत्ति कमॉन गाइस एग्जैक्टली बेटा आयरिस में स्मूथ मसल होता है स्मूद इज द इनवॉल्ट्री मसल वेरी गुड बेटा के नलिन वॉटसन मिशेल टेडी आयुष कल एग्जाम है पीयूष का ऑल पीयूष. देन आपकी फेवरेट मिस प्राय प्रियांशी यस yes, बेटा थैंक यू बेटा मिस प्रियांशी फेवरेट स्पेड ईगल आई ग्रेट जॉब क्या सब तैयार है लास्ट क्वेश्चन के लिए यस आर रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन यस बेटा श्वेता यू विल गेट ऑल द फीचर्स इन मंथ

ठीक है बेटा तो दैट इज वाई आई वुड से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दैट आउट नहीं कर सकते कोई बात नहीं बेटा हम लोग पढ़ाते हैं आपको वे, like, तो और टेंथ चैनल पे हम लोग पढ़ाते हैं पूरा कोर्स कराएंगे हम लोग आप लोगों का ठीक है जो मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है बट जो कर सकते हैं दे शुड डेफिनेटली एनरोल और आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा इसका यू वुड सी मतलब आप रिग्रेट नहीं करोगे कि अरे यार पैसे बर्बाद हो गए ऐसा लगेगा नहीं बिल्कुल आपको लगेगा कि अच्छी जगह इन्वेस्ट करा है और आपकी पढ़ाई सफर नहीं हुई है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टेंट स्टडीज मेंटेन करना जो नीट और जेई की तैयारी करते हैं क्या वो बच्चे ग्यारहवीं बारहवीं पढ़ना स्टार्ट करते हैं नाइन्थ टेंथ से ही वो स्टार्ट कर देते हैं है ना ताकि उनका बेस अच्छा बन जाए तो वी मेक दैट बेस इन वेदांत प्रो ठीक है आगे चलो dash type of muscular tissue is mostly attached to the bone smooth muscle cardiac muscle skeletal muscle none of the above which type of muscle is attached to the bone टल मसल स्केटल मसल इज दिच इज अटैच दो इज कंट्रोलेबल ओ बेटा प्रज्ञा खिंची जीत चुकी है सिद्धि अगरवाल क्लैप फॉर प्रज्ञा बेटा क्रैप फॉर प्रज्ञा प्रज्ञा के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए और सबके लिए तालियां बजाई जाए सारे बच्चे अपने लिए तालियां बजाएं बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चे हैं वेदांतु क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट ओपी यस गाइस एवरीवन वेदांतु क्लास नाइन्थ स्टूडेंट ओपी इन द चैट बॉक्स वेदांतु क्लास नाइन्थ स्टूडेंट ओपी इन द चैट बॉक्स जल्दी से क्योंकि हमारे सारे बच्चे हैं ओपी यस बेटा मार्को इज अ सुपर एक बच्चा पूछ हु इज मार्को बेटा मार्को इज आर हीरो ठीक है यस विद लर्निंग ओपी यस इट यू गायज आर ओपी, सो यस एग्जैक्टली यू गाय ट्रस्ट मी यू गायज आर रियली वन ऑफ द वंडरफुल पीपल आप इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हो फिर भी यू आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क तो वी अप्रिशिएट यू वी लव यू आर लॉट एंड गाइज लॉट ऑफ एफर्ट गोज इन टू ऑल दीज थिंग्स हम ये जो कंटेंट बनाते हैं वर्ड गेम बनाते हैं मेन्टी बनाते हैं ठीक है वी ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड विद ऑल आर हार्ट एंड एफर्ट

तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा आज का है ना एंड यस थैंक यू बेटा सृष्टि सृष्टि यादव इज संग नाइस टीचिंग थैंक यू बेटा यू गाइज आर रियली ऑसम स्टूडेंट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लॉट्स ऑफ लव है अ ग्रेट डे डो नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट नाइट टेक केयर आई सी यू टुमोरो एट नाइन पी एम फॉर क्लास टेंथ सेशन इफ यू आर क्लास नाइन्थ आई सी यू ऑन मंडे बाय बाय हैव अ गुड है